आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एस पी एन नाइन के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान शराब बिक्री को लेकर हम फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल ने इस वक्त जो फैसला लिया है यह फैसला पहले भी लिया जा सकता था यह फैसला और भी राज्य ले सकते थे केंद्र सरकार भी पहले से सूचित कर सकती थी कि इसी तरह का फैसला लीजिए जो फैसला भी पश्चिम बंगाल ने लिया है ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री हैं जिस तरह शराब की पहले दिन की बिक्री वही तीन सौ करोड़ रुपए की शराब बिकी है और भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लॉकडाउन जैसी कोई चीज रही नहीं है अभी कोई कोई लॉकडाउन लगा ही नहीं था इस तरह की भीड़ थी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा तो पश्चिम बंगाल ने जो फैसला लिया है वह यह है कि शराब की होम डिलीवरी की जाएगी इक्कीस वर्ष तक के लोग ही शराब को मतलब होम डिलीवरी करा सकते हैं उसे मंगा सकते हैं आधार कार्ड भी उसमें अटैच होगा देखा जाएगा कि कौन शराब को ले रहा है तो ये बड़ा अच्छा फैसला है इसलिए नहीं कि व्यक्ति की जानकारी ली जा रही है जानकारी ले या ना ले, शराब यहाँ पर 21 वर्ष से कम के भी लोग पीते हैं अन्य मादक पदार्थों तो का भी सेवन किया जाता है इसलिए नहीं है कि, कि एज की उससे नहीं है लेकिन एक भीड़ ना इकट्ठी हो पाए होम डिलीवरी हो जाएगी शराब पीने वाला को चाहिए जब उसको छूट मिल गई है तो वो पिएगा ही तो वो छूट दे दी गई है तो होम डिलीवरी कराई जाएगी यह फैसला और भी पहले लिया जा सकता था लेकिन जल्दबाजी में नहीं लिया गया जल्दबाजी से अगर किया दिए हम बात करें चाहे फिर वो नोटबंदी हो जीएसटी हो धारा तीन सत्तर हो तीन तलाक हो ऐसे बहुत सारे फैसले जल्दबाजी में ले लिए गए फैसले लिए जा सकते थे वही फैसले लिए जाते लेकिन एक बात कर ली जाती एक ब्लू बना लिया जाता योजनाएं तैयार कर कर दी जाती नीतियाँ भी मजबूत होती तब इस तरह के फैसले लेने के बाद जो परेशानी जनता को उठानी पड़ती है शारीरिक क्षति पहुंचती है मानसिक रूप से आघात पहुंचता है तो उन परेशानियों से कहीं ना कहीं जनता बच सकती थी लेकिन जनता की परवाह किए बगैर केवल सत्ता का लालच देखा गया अपना व्यक्तिगत हित देखा गया इन हितों के चलते जनता ने परेशानी भी उठाई जैसे ही मौजूदा समय में शराब की बिक्री को लेकर हुआ उससे कितने कोरोना के मामले बढ़े होंगे आप खुद सोचे दिल्ली में ही हर घंटे कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो यहां पर जो पश्चिम बंगाल ने ये फैसला लिया है ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया है कि होम डिलीवरी होगी शराब की तो क्या और राज्यों को भी ये फैसला लेना चाहिए यही फैसला सबसे सही है या नहीं है यह आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कार्यक्रम को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तब तक के लिए इजाजत दीजिए धन्यवाद